आई मीन परफेक्शन भी जो है ना वो कई बार स्ट्रेस या ओवर थिंकिंग की वजह बन जाता है, जो मैटर ही नहीं करता. और जो मैटर ही नहीं करता उसके लिए चक मारना जरूरी है क्या? आपके मन में घूम रहे सारे मुद्दे 5 या 10 साल बाद आपकी लाइफ पर क्या प्रभाव डालेंगे? आज जो आप बातें सोचते रहते हो, क्या उनका फ्यूचर में कोई वजूद है भी या नहीं? आज के टाइम में जो बात आपको पहाड़ की तरह भारी भरकम लगती है, हो सकता है 5 साल बाद आपको वो बात याद भी ना रहे. नमस्कार दोस्तों, चलिए एक बात बताइए, क्या आप किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा सोचते हैं? इतना सोचते हैं कि आपको टेंशन होने लग जाती है, सोच सोच कर आप टायर्ड फील करने लगते हैं, भारी भरकम हो जाता है दिल और दिमाग, आप एकदम से बीमार हो जाते हैं. होता है ऐसा? तो ये वीडियो आपके लिए है, नहीं तो आपको अपने आसपास ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जिनके काम आ सकती है ये वीडियो, तो उनके साथ शेयर कीजिए. यू नो, स्ट्रेस, प्रॉब्लम, टेंशन हर किसी की लाइफ में होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उन बातों को लेकर बैठे रहें, सोचते रहें, क्योंकि ये आदत आगे चलकर ओवरथिंकिंग में बदल जाती है. और ओवरथिंकिंग जब हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो मानसिक बीमारी बन जाती है. तो इसलिए जरा खुद में चेक करें, कहीं आप ऐसा कुछ तो नहीं कर रहे, जैसे कि आप अपने साथ हुई कोई खराब बातें या शर्मिंदा करने वाले लम्हों को याद करते रहते हैं, किसी ने कुछ कह दिया तो उसे दिलो दिमाग से लगा लेते हैं और उनके बारे में सोच सोच कर फिर आपको अच्छे से नींद नहीं आती है, पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ कर वक्त बर्बाद कर देते हैं, कोई आपकी गलती बता दे तो उसके बारे में सोचते रहते हैं, फ्यूचर के बारे में सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं. तो ये सब जो है ना, ये ओवरथिंकिंग के साइंस हैं और इनसे बचना बहुत जरूरी है. तो सबसे पहले ना खुद को चेक करें कि आप अपने थॉट्स पर किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं. क्या आप अपने नेगेटिव थॉट्स को पकड़ कर बैठे हैं और इस वजह से आप चिड़चिड़े, घबराए हुए और कभी कभी खुद को दोषी महसूस करने लगते हैं? अगर ऐसा है तो मेरे दोस्त, आपको जरूरत है इस तरह के विचारों से खुद को भटकाने की. अब मैं ये कहूँ कि मत सोचो नेगेटिव, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है. विचार तो आएंगे ही आएंगे, बस जरूरत है आपको किसी काम में बिजी कर लेने की, खाली नहीं बैठने की. कोई वर्कआउट सेशन ज्वाइन कर लें, अपनी फेवरेट हॉबी में खुद को बिजी करें. अगर आपको कुकिंग पसंद है तो कोई नई रेसिपी ट्राई कर लें. आप कोई सोशल सर्विस भी कर सकते हैं. अब क्या है ना कि जब आप ऑलरेडी नेगेटिव थॉट से घिरे हुए होते हैं ना, तो इस तरह की चीजों के लिए भी ना खुद को भटकाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. आई अग्री. तो थोड़े थोड़े से शुरुआत करें, पहले खुद को थोड़ा सा टाइम दें इन चीजों के लिए. आई मीन आप डेली आधे घंटे से शुरुआत कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे इस टाइम को बढ़ाते जाएं, जिससे कि आपके पास टाइम ही ना हो नेगेटिव थॉट्स के लिए. अब इस बात को आपने लाखों बार सुना होगा, गहरी सांस लें. जब भी आप अपने विचारों को इधर उधर करवट लेते हुए पाए ना, तो डीप ब्रीदिंग करें. और इसके लिए एक बहुत ही आसान तरीका बताती हूँ. सबसे पहले तो ना एक कंफर्टेबल जगह पर बैठ जाएं, जहां पर आपके नेक और शोल्डर को पूरा आराम मिल सके. अब अपना एक हाथ हार्ट पर और एक पेट पर रखें और अपनी नाक से लंबी सांस लें और छोड़ें. और इस बात का भी ध्यान रखें कि सांस लेते टाइम आपका हार्ट और पेट किस तरह से हिल रहे हैं. धीरे धीरे एक लय बनने लगेगी, आप रिलैक्स्ड फील करने लगेंगे. और इस एक्सरसाइज को डेली 2 बार जरूर करें, या फिर जब भी आपके मन में उल जलूल विचार आए तब आप कर सकते हैं. अब मेडिटेशन भी आपके थॉट्स को कंट्रोल करने में आपकी हेल्प कर सकता है. आपके ध्यान को अंदर की तरफ मोड़ कर आपके मन के अंदर की घबराहट भरी बकवास को दूर करने में आपकी हेल्प कर सकता है. बस आपको 5 मिनट और एक शांत जगह चाहिए. अच्छा चलो, अब ये बात ना जरा आराम से सोचो और बताओ, आपके मन में घूम रहे सारे मुद्दे 5 या 10 साल बाद आपकी लाइफ पर क्या प्रभाव डालेंगे? आज जो आप बातें सोचते रहते हो, क्या उनका फ्यूचर में कोई वजूद है भी या नहीं? आज के टाइम में जो बात आपको पहाड़ की तरह भारी भरकम लगती है, हो सकता है 5 साल बाद आपको वो बात याद भी ना रहे. तो छोटी छोटी बातों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देकर ना अपनी खुशहाल जिंदगी की रुकावट मत बनाओ. बल्कि मैं आपको एक और चीज बताऊं जो आपके थॉट्स की दिशा बदल सकती है, आपके नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में बदल सकती है. और इसके लिए आप किसी ऐसे इंसान की हेल्प करें जो मुश्किल समय से गुजर रहा हो. क्या है ना कि जब हम दूसरों की तकलीफ से रूबरू होते हैं तो हमें अपना दर्द कम लगने लगता है, छोटा लगने लगता है और हम उसे भूल जाते हैं. अब आप ना अपने इस ऑटोमेटिक नेगेटिव थिंकिंग का एक रिकॉर्ड रखें. आपको स्ट्रेस देने वाली सिचुएशंस और उन सिचुएशंस की वजह से जो आपको विचार आने लगते हैं, उन सबको एक नोटबुक में लिखें और फिर एनालाइज करें कि इस सिचुएशन की वजह से इतना नेगेटिव सोचना क्या सही है. बहुत सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं, किसी ने कुछ कह दिया, कहीं पर आप थोड़ी देर लेट हो गए,
कोई काम आपके हिसाब से नहीं हुआ, या फिर किसी इवेंट पे पहने आपके कपड़े आपके मन मुताबिक नहीं है उसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो गया। आई मीन परफेक्शन भी जो है ना वो कई बार स्ट्रेस या ओवर थिंकिंग की वजह बन जाता है जो मैटर ही नहीं करता। और जो मैटर ही नहीं करता उसके लिए चक मारना जरूरी है क्या? पूछो जरा खुद से। बल्कि इसकी जगह पर पता है क्या करूं, अपने पिछले दिनों में कुछ 5 ऐसे काम जो सही हुए हो उनके बारे में नोटबुक पे लिखो। जरूरी नहीं है कि बड़े अचीवमेंट हो, छोटे छोटे काम भी हो सकते हैं, जैसे कि आपने अपनी वार्डरोब सही करी हो, गार्डनिंग करी हो, अपनी ऑफिस टेबल पर सारी फाइल्स को अच्छे से सेट किया हो, अरे किसी के साथ में कुछ अच्छे पल गुजारे हो। मैं तो एक पता है छोटी सी वीडियो भी बनाती हूँ ना तो खुद को पैट करती हूँ। तो जब आप इस तरह की बातें सोचेंगे और अपनी नोटबुक में लिखेंगे तो आपके नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो धीरे धीरे सप्रेस होने लगेंगे। दिन में कुछ टाइम के लिए वॉक पर जरूर जाएं, अपना फेवरेट म्यूजिक सुने या कोई पॉडकास्ट सुने, अपने पसंद का खाना खाएं, हर बाइट में खुशी और आनंद को ढूंढें, हर बाइट को टेस्ट करके एंजॉय करके खाएं, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग के साथ खाएं, बाहर जाएं, सेम इंटरेस्ट के लोगों के साथ ज्यादा मिलें, जिनके साथ बात करके आपको अच्छा लगता हो, जिनके साथ आप हार्ट टू हार्ट कनेक्ट कर सके, ठीक है ना, और बस खुश रहे। तो हो सकता है मेरी ये बातें आपके कुछ काम आ सके, है ना। तो चलिए अब चलती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और दमदार बातों के साथ। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय, लव यू ऑल।